शिव शक्ति सुनील जी में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि मकर संक्रांति, ये संक्रांतियां बदलती क्यों है, क्योंकि आपने देखा कि आज पिछले वर्षों से यानी 14 तारीख को मकर संक्रांति पर्व मनाते आए हैं। आज हम जो इस वर्ष से पिछले वर्ष से अब 15 जनवरी को मकर संक्रांति पर्व मना रहे हैं, इसका कारण क्या है, ऐसी कौन सी घटनाएं आकाशीय घटनाएं घटती हैं जिसे पर्व तिथियां हमारी आगे को बढ़ जाती। तो आज हम इसी को सिखाएंगे कि जो मकर संक्रांति 14 से 15 को हुई क्यों, कारण क्या है, इसको हम आपको बताते हैं। जो हम आपको बता रहे हैं कि जो हमारा आकाशीय देशांतर गणना हमारा किससे शुरू होता है, मेष की संपात से। मेष का संपात कहाँ है, 21 मार्च को हम 00 से शुरू करते हैं। तो हम आपको बता देते हैं, पहले सीख लीजिए कि जो हमारा आकाशीय देशांतर है, ये आकाशीय, इसको कहते हैं दोनों को संपातिक बिंदु, इसको क्या बोला जाता है, संपातिक, ये बिंदु है हमारे, ये बिंदु ले लीजिए आप 0, ये भी यहां 0। तो ये होता है 21 मार्च को, हमारा सूर्य यहां 21 मार्च से प्रारंभ होता है। ये हो गया 23 सितंबर। ये दो ऐसी तारीखें हैं जहां पर सूर्य की गणना हमारी यहां पर 21 मार्च 23 को ये 00 पे आ जाते हैं। तो आगे ऊपर क्या होता है, ये मकर रेखा, मकर रेखा आपकी सूर्य भ्रमण करता है, सूर्य जो उसने भ्रमण किया, यहां से आया, ये भ्रमण किया, ये समझ लीजिए सूर्य का ये पथ है, क्रांति पथ, ये क्रांति पथ सूर्य का हुआ। यहां जो उसने किया, कहां तक जाता है, 23 इसे कहते परम क्रांति, 23-30 तक ये ज्यादा जब सूर्य जो भ्रमण करता है। हकीकत में कौन भ्रमण करता, मैंने आपको कई बार बताया है कि पृथ्वी भ्रमण करती, लेकिन ये हम पृथ्वी की बात नहीं कर रहे हैं, जो यहाँ पर सूर्य की हम कह रहे हैं, सूर्य में जो आकाश मंडल में जो पृथ्वी हमारी भ्रमण करती है सूर्य के चारों ओर ब्रह्मांड में, और उसके ब्रह्मांड क्या करता है, चंद्रमा भी भ्रमण करता है, किसकी, पृथ्वी के चारों ओर। तो इन दोनों का जो गुरुत्वाकर्षण है, हम जो आपको बताने जा रहे हैं, इन दोनों गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी जो है, मान लो हमने माना कि जो हमारी पृथ्वी है तो हमें पृथ्वी ही मानना पड़ेगा, पृथ्वी अपनी अच्छे से मान लो पृथ्वी है, यहां से इसे पृथ्वी ने भ्रमण शुरू किया, कहां से भ्रमण होता है शुरू, ये हमने मान लिया सूर्य हमारा ये स्थिर है, हम क्या, सूर्य हमारा स्थिर है, पृथ्वी जो भ्रमण करती, मान लो यहां 0 से इसने भ्रमण शुरू करती है और 365 दिन में ये पूरा एक साल में ये भ्रमण पूरा कर लेती, लेकिन होता क्या है, पृथ्वी चपटी होने के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, जब पृथ्वी ये सूर्य के और चंद्रमा भी उसके किनारे किनारे पृथ्वी के मान लो पृथ्वी है, यहां से पृथ्वी ने शुरू किया, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी ने यहां से मानो इस पॉइंट से आपके भ्रमण करना शुरू किया, और चंद्रमा भी इसके साथ साथ घूमता है इसी की परिधि में, चारों तरफ पृथ्वी के चंद्रमा भी भ्रमण करता है और ये सूर्य के चारों तरफ भी पृथ्वी आपकी भ्रमण कर रही है। तो हमने गणना यहां से मानो 00 से शुरू करते हैं, तो क्या होता है कि जो पृथ्वी है गुरुत्वाकर्षण के कारण जो अपना अक्ष है, जहां इसका मान लो ये अक्ष है, तो ये क्या करती है कि पीछे घट जाती है, एक साल के बाद ये क्या होता है 50 बिकला ये पीछे आ जाती है, इसी तरह हर वर्ष ये 50-50 बिकला ये पीछे हो जाती है, कितना, ये 50 बिकला ये पीछे हटती जाती है। जब ये पीछे हट गई तो यहां से इसने भ्रमण मारना शुरू किया, जब पीछे आ गई तो उतना उसने कम समय लिया, तो उसे पुनः उसी स्थान पर पहुंचने में हमेशा 50-50 बिकला ये फालतू चलना पड़ेगा। तो यही 50-50 करते हुए 73 सालों में, ये 73 सालों में क्या होता है, ये 73 साल में पूरा एक अंश हो जाता है, यानी सूर्य क्या है, एक अंश, सूर्य कितना चलता है, एक अंश चलता है, सूर्य कितना चलता है, एक अंश चलता है प्रतिदिन, एक अंश चलता है सूर्य कितना चलता है प्रतिदिन, एक अंश चलता है।
तो इस तरह करते करते 73 साल, 50 विक्रय करते करते 73 सालों में वह सूर्य एक अंश चला जाता है, जो कि एक दिन हो जाता है। तो एक दिन का मतलब हो गया एक तारीख को आगे बढ़ जाता है, एक तारीख आके आगे बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, अब इसकी हम गणना कर लेते हैं कैसे, इसका हम आपको बता देते हैं कि आप इसको गणना के द्वारा समझें तो सही रहेगा। पहले हम आपको समझा देते हैं कि आकाशीय देशांतरों की गणना मेष संपात के प्रथम बिंदु 00 से, यहाँ 00 से प्रारंभ होती है, की जाती है। सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी का अपनी धुरी से झुकाव की जो दिशा है, का झुकाव है, वो 50 विक्रय प्रतिवर्ष है। तो ये मेष का जो संपातिक बिंदु है, मेष का जो संपातिक कहलाता है, मेष का संपातिक बिंदु, ये आपका मेष का संपातिक बिंदु हो गया। मेष के जो संपातिक बिंदु है से 50 विकला यानी 50.28 विकला प्रतिवर्ष विपरीत दिशा में पीछे हटता है। मैंने बताया जहां से शुरू करता है वहां से इतना 50 विकला, ये 50.28 विकला ये पीछे हटता रहता है, पीछे हट जाता है। और मेष के संपातिक बिंदु के 50 विकला प्रतिवर्ष विपरीत हटने से इस संपात बिंदु का बिछड़ना इसे कहते हैं कि अपने संपातिक बिंदु से पीछे हटता जाता है। तो यही जो है 73 सालों में जा करके एक अंश हो जाता है। अब इसको हम गणना के द्वारा सिद्ध कर लें कि मान लो कि ये 50 कितना हो गया, 50 विकला ये प्रतिवर्ष हो गया। कितने वर्ष लिए इसने, 73 साल, इसको हमने गुणा कर दिया। तो 73 से गुणा कर देंगे तो 0 की 0, 5 15, 5 7 35, 1 36, इसको हमने क्या किया, 60 से भाग कर दिया। 60 से भाग करिए तो 6 6 36, 360, ये आपके बचे 50, फिर आप 0 लगा दीजिए तो ये क्या होगी आपका, ये तो आपका बिकला थे क्योंकि आपने 73 भाग किया, ये आपके सेकंड बिकला सेकंड आया। ये 60 आपके क्या आ गए, ये आपका कला आ गया। ये 60 क्या बन गया आपका, कला। इन बिकलाओं को हमने क्या बना दिया, ये 60 हमारे पास कला प्राप्त हो गए। अब आप जानते हैं 60 कला बराबर क्या होता है, 60 कला बराबर एक अंश, एक अंश हो गया 60 कला बराबर एक अंश। और एक अंश चलने में, एक अंश को चलने में लगा सूर्य का समय 24 घंटे, ये 24 घंटे लेता है पूरा एक अंश चलने में, 24 घंटे यानी एक दिन। वही जो चीज मैं यहां बताना चाह रहा था आपको कि पूरा एक अंश चलने में सूर्य को लगा 24 घंटे यानी एक दिन लगा। तो एक दिन ही कह, एक तिथि यानी पूरी एक तारीख बदल जाती है। जैसे पहले हमने कहा कि 14 तारीख को मना रहे थे, इसलिए अब एक तिथि 73 साल व्यतीत हो चुके हमारे पिछले 73 साल व्यतीत हो चुके, तो इस मतलब हो गया कि अब जो 15 तारीख को, इसीलिए हमारी तारीख चेंज हो गई, एक दिन बदलने का मतलब हो गया। अब 14 की जगह हम 15 को अब हम मकर संक्रांति मनाएंगे। अब आप ये कह सकते हो गुरु जी अगले जो होगा वो हम कब मनाएंगे, तो इसी में जोड़ लीजिएगा कि जैसे अब समय आपका चल रहा है 2024, इसमें आप प्लस 73 कर दीजिए तो 4 3 7 7 2 9 0 2, यानी ये जो आपका आया 2097 ईस्वी सन में 73 साल आपने जोड़ दिया इसमें, तो
चार तीन सात सात दो नौ, ठीक है भाई। आप क्या है यानी 16 तारीख को मकर संक्रांति होगी, मकर संक्रांति ये होगी। तो आप ये समझ लीजिए हर 73 साल में यानी तारीख जो है मकर संक्रांति की वो चेंज हो जाती है। तो आप इस तरह से भविष्यवाणी कर सकते हो कि अभी जो चली है इसके अनुसार अभी इसका 2097 में, और लेकिन पिछले साल भी 15 को थी, तो यह 95 एक माइनस कर देना तो ये 2096 ईस्वी में आपको पुनः मकर संक्रांति प्राप्त होगी 16 तारीख को, अभी 15 को है। इस तरह आपको ये बताना जरूरी था कि आप लोग को पता नहीं था कि जैसे आप लोगों ने कमेंट करके पूछा था फेसबुक पर भी कि ये हुआ कैसे, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण उसको सीधा सा है कि पृथ्वी जो भ्रमण करती है सूर्य के चारों तरफ 365 दिन में भ्रमण कर लेती है, लेकिन जब भ्रमण करती है तो वो प्रतिवर्ष जो है 50 विकला वो अपने स्थान से पीछे आ जाती है, हट जाती है। क्योंकि कारण क्या है कि सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो अपनी धुरी से पीछे हट रही है, यानी 50 विकला हर वर्ष वो हट रही है। तो आप ये कह सकते हो कि जो हजारों वर्ष पहले जो स्थिति थी आकाशमंडल में तारों की, वो स्थिति आज नहीं है, वहां से वो हट चुके, ये आप ये भी कह सकते हो। तो ये स्थितियां चेंज होती रहती हैं ग्रहों की ऊपर स्थिति, तो स्थिति परिवर्तन पृथ्वी की अपनी जो 50 विकला प्रतिवर्ष हट रही है उसके कारण है। तो इसलिए तारीखें बदल रही हैं, उससे घबराना नहीं, लेकिन आप लोग गणना आपको आनी चाहिए कि ये बदला क्यों बदला, कारण क्या रहा, तो यही सब आपको बताना था। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो देखने के लिए सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।